कासगंज जनपद के अंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव पचपोखरा में नामजद लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने जब गाली गलौज करने व मारपीट का विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पीड़ित परिवार ने इलाका पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद के गंज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव पचपोखरा में इरफान पुत्र अब्दुल रहीम खान ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान गांव के आले नबी गुलाब हसन रफत व मोहम्मद कैफ घर में घुस आए। मुझे और मेरे परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे हमारे काफी चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने कासगंज एसपी BBGTS मूर्ति से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पहले विवाद चल रहा था, मकान चाचा खसाने के लिए आए थे, तो वो तहरे फहरे चाचा तहरे पहरे दे गया, तो मैं साथ में चला गया था। बुरी रंजित मुझसे मानने लगे। 19 तारीख को मेरे घर पे आए, मेरी बहन की और चाचा के लड़के की और लड़की की है ना, उनकी मारपीट की। उसके बाद में मैं FIR है ना, मेरे पापा FIR लेने के लिए गए, FIR दे दी वहाँ थाने, है ना, थाने देने के बाद फिर आ गए। उसके बाद में है ना, वो लोग रोज़ धमकी दे रहे हैं, कोई पुलिस कोई भी है सुनवाई नहीं कर रही है। धमकी दे रहे हैं, गए हैं ना, तहरीर वापस ले लो, तहरीर वापस ले लो, जान से तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को, किसी को मार देंगे, हमें ना बहुत दबंग लोग हैं वो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, नहीं कोई पुलिस ने सुनी तो मैं कप्तान साहब के पास गया, ये उनके पास दे के आया हूँ, कप्तान साहब के पास तहरीर दे के आया, कप्तान साहब के पास, है ना। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।